अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल से तो आप सब ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज की वीडियो है माय वेट लॉस जर्नी के ऊपर कि कैसे मैंने अपना 20 kg वज़न 3 महीनों में कम किया। मेरा 80 kg वज़न हो गया था और मैंने अपना 60 kg वज़न किया सिर्फ 3 महीनों के अंदर। मैं कोई जिम नहीं गई, मैंने कोई हैवी डाइट नहीं की और मैंने कोई एक्सरसाइजेज नहीं की और कोई भी मैंने फाके नहीं किए। मैं बिल्कुल भूखी नहीं रही। तो किस तरह से मैंने अपना बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से 3 महीने में अपना वज़न कम किया। जब भी मैं कोई वेट लॉस टी शेयर करती थी आप लोगों के साथ या कुछ भी अपनी लेमन ग्रास टी कुछ भी शेयर करती थी तो आप सब लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत मोटी हो गई थी और मैं अपनी वेट लॉस जर्नी जो है आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो जी हाज़िर है आज की वीडियो वेट लॉस जर्नी के ऊपर जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मेरी इस वेट लॉस डाइट को और इनको इन चीज़ों को फॉलो किया तो आप लोग अपना 2 महीने में भी वज़न ज़्यादा कम कर सकती हैं, क्योंकि मेरा जो वेट है वो थोड़ा स्लो होता था कम, तो इसीलिए मुझे 3 महीने लग गए। लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग 2 महीने में भी अपना वज़न कम कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हमने किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो जी हमने जिन जिन चीज़ों को अवॉइड करना है, सबसे पहले हमने राइस नहीं खाने, हमने फास्ट फूड नहीं खाना, पिज़्ज़ाज़ बर्गर्स नहीं खाने, देसी घी के पराठे नहीं खाने, रोटियां नहीं खानी और उसके बाद हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, हमने मीठा नहीं खाना। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी डाइट है, हर चीज़ छोड़नी पड़ रही है। तो मजबूरी है, 2 महीने तक तो इन सब चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम लोग ये चीज़ें भी साथ साथ करें और साथ साथ हम लोग सोचें कि हम स्मार्ट भी हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह नहीं होता। और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी गर्ल्स हैं, हम माएँ कुछ भी कर सकती हैं। हमें जो है हम अगर माँ हैं और एक माँ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, हम माएँ बहुत स्ट्रांग होती हैं। जैसे हम बच्चों को संभालती हैं, जैसे हम अपने माइंड में बिठा लेती हैं शादी के बाद कि हमने शादी और अपने बच्चों को एक तरीके से लेकर चलना है और हम अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं, इसी तरह हम लोग अपने जो वज़न है या हमने अपने जो भी काम करना है वो हम कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें कि हमने स्मार्ट होना है और हमने ये करके दिखाना है तो हम ये सब कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। और आज मैं आप लोग से शेयर कर दूं कि मैं अपनी ब्रेकफास्ट में क्या खाती थी, लंच में क्या खाती थी और डिनर में क्या खाती थी। सबसे पहले तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी उन चीज़ों को छोड़ना होगा। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में 2 बॉयल अंडे और 2 ब्राउन ब्रेड के पीस खाने होंगे। अगर आप चाहें तो आप लोग चाय पी सकते हैं, चाहे तो चाय पी सकते हैं लेकिन विदाउट शुगर, उसके अंदर शुगर ऐड नहीं करनी। तो ये चीज़ें यूज़ करनी है। लंच में आप लोगों ने सैलड खा लें, फ्रूट्स खा लें, उसके बाद मतलब खीरा ये वो चीज़ें खा लें और आप कोई भी फ्रेश जूस पी लें। मैंने अपना सर्दियों में वज़न कम किया था तो आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियों में वज़न कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो है मतलब गाजर का जूस पी लेती थी और ऑरेंज का जूस पी लेती थी, ऑरेंज खा लेती थी। तो सर्दियों में आप लोग जानते हैं काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने 3 महीनों के अंदर अपना वज़न 20 किलो कम किया और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने हेल्दी वेट अपना कम किया। और उसके बाद आप लोगों ने डिनर में भी जो भी सालन पकाना है उस सालन के साथ 2 ब्राउन ब्रेड के पीस खा लेने। और ये सिर्फ 2 महीने तक आपने ऐसे करना है। जब आप ब्राउन ब्रेड के पीसेस खाना स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, 1-2 दिन दिल भी करेगा कि हम रोटी खा लें, ये खा लें या वो खा लें। लेकिन अगर आप एक हफ़्ता आपने ये कर लिया ना, तो उसके बाद आप कर लेंगे और आपका बार बार दिल नहीं करेगा ये खाएँ वो खाएँ। तो 2 महीने तक ये स्ट्रिक्ट डाइट करनी है। तो साथ ही आपने ब्रेकफास्ट में भी 1 ग्रीन टी पीनी है, लंच में भी 1 ग्रीन टी पीनी है और डिनर में भी 1 ग्रीन टी पीनी है। और से जो है हम लोग अपना वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ जो है अपनी टी शेयर की है, एक जो है वेट लॉस टी शेयर की है, एक लेमन ग्रास वेट लॉस टी शेयर की है। उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और वो बहुत कम करती हैं। और मैंने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी के साथ साथ इन दोनों को भी पिया है, लेमन ग्रास टी और जो टी है कि मैंने खुद बनाई थी वो भी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा। और आप लोग देख सकते हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कोई स्किन ख़राब नहीं होती, क्योंकि अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते और अगर स्किन ख़राब होती तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन ख़राब हो जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने अपना हेल्दी वज़न कम किया। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि बहुत ज़्यादा भूखा रहना स्टार्ट कर देते हैं और
अपनी स्किन का ख्याल नहीं करते और वेट लॉस के चक्रों में अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, तो वो काम बिल्कुल नहीं आप सब ने करना। आप सब ने कोशिश करनी है कि अपना जो वज़न है वो हेल्दी डाइट करें और हेल्दी तरीके से कम करें, ताकि आपको बाद में कोई वीकनेस ना हो, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैं डाइट के बाद बहुत वीक हो गई। अक्सर लोग डाइट के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को लगे कि हम लोग डाइट में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं, या हमें बहुत ज़्यादा भूख फील होती है, या मतलब अगर बहुत ज़्यादा भूख फील होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वीट बिस्किट्स खा लेने हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप एक वीट बिस्किट का पैकेट खा लेते हैं, तो वो जो है आपके लिए यही है कि आपने जैसे कि एक रोटी खा ली हो, तो उसको खा लें। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप वो खा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ, तो आपने बिस्किट्स खा लेने हैं, साथ में आप लोगों ने अपना जो है एक विटामिन यूज़ करें, और अच्छे वाला विटामिन यूज़ करें। जो मैं विटामिन यूज़ करती रही हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डाइट के दौरान अगर आप लोग रोज़ाना एक नाश्ते के बाद विटामिन खाएंगे, तो आपको कोई वीकनेस फील नहीं होगी, और कुछ भी ऐसा नहीं फील होगा कि आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और हम सब लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना है। हम लोग चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं हेल्दी हो गई थी, और मेरी सारी कज़न्स और मेरी सारी फैमिली वाले कहना स्टार्ट हो गए थे कि तुम बहुत हेल्दी हो गई हो, अब पता नहीं तुम स्मार्ट होगी या नहीं, और अभी तो तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, और इतने छोटे बच्चे हैं और तुम इतनी हेल्दी हो गई हो, तो ये काम तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं मैं अपना वज़न कम करूँगी, और मैं अपना वज़न कम करके दिखाऊँगी। तो फिर मैंने अपना वज़न कम किया, मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम कर सकती हो। तो उन्होंने इस वेट लॉस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे डाइट बताई और मुझे हर एक एक चीज़ बताई। वो मुझे मेरा हर खाने पीने का ख्याल रखते थे, वो मुझे बताते रहते थे कि तुम ये खाओ, तुम ये करो, वो करो। तो मैंने सोचा कि मेरी जो भी बहनें मोटी हैं, या जो भी मेरी बहनें स्मार्ट होना चाहती हैं, तो वो डरती हैं, वो सोचती हैं कि कहीं हमें दिन रात डाइट ना करनी पड़े, या कहीं हम डाइट कर करके पागल ना हो जाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ एक दो महीने की बात होती है और आप स्मार्ट हो जाते हैं। जब आप स्मार्ट हो जाते हो, फिर आप अपने आप को वहां पर मेंटेन कर लेते हो, फिर आपको बाद में ज़्यादा मोटापा नहीं होता। एक दफ़ा सिर्फ स्मार्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब हम स्मार्ट हो जाएं तो फिर हम लोग खुद को वहीं पर रोक लेते हैं, तो फिर वहां मतलब बहुत ज़्यादा हम हेल्दी नहीं होते। दो महीनों के बाद आप लोग चावल भी खा सकते हैं, आप लोग रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन छोटी रोटी खाएं, और घी वाली रोटी मत खाएं, आप लोग सूखी रोटी खाएं, और इस तरह करके आप ऐसा ऐसा फिर अपनी नॉर्मल रूटीन में भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी कि आप लोग चाहें तो इस तरह से अपना वज़न कम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और आप हमें कुछ गाइड करें, कुछ बताएं, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो सब समझ भी आ जाएगा, और आपका वज़न कम भी हो जाएगा। आप लोग ट्राई करके देखें, जो भी मोटी हैं, या जो भी मेरे बहनें, सिस्टर्स, जो भी लोग वज़न कम करना चाहते हैं, इस डाइट को फॉलो करें, और इंशाल्लाह ताला आप सबका जो है वो वज़न कम होगा, और गारंटीड कम होगा। कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई जिम नहीं जाती थी, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती थी। हाँ, मैं घर के काम करती थी, बच्चों को संभालना, घर के काम करना, किचन साफ़ करना, पूरे घर की सफाई करना, तो इसमें मेरा 2-2.5 घंटे का मेरा जो वर्कआउट है वो हो जाता था। तो इस तरह से जो है 2-2.5 घंटे का वर्कआउट हो जाता था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट हो जाता था, तो मुझे कोई भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे से बच्चे थे और मेरे लिए जिम जाना पॉसिबल नहीं था। विदाउट जिम और विदाउट हैवी डाइट से मैंने अपना 20 kg वज़न जो है वो 3 महीनों में कम किया, हेल्दी वज़न कम किया। एक होता है कि हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं, और एक होता है कि हम अपनी फ़ैट लॉस करते हैं। तो मैंने अपनी फ़ैट लॉस की है, और वेट लॉस भी किया है, लेकिन फ़ैट लॉस की है। उससे ये होता है कि आप वीक नहीं होते, आपकी स्किन ख़राब नहीं होती, और आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी, और ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर लूँ, तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जो जर्नी है वो शेयर कर ली है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकती हैं, कमेंट्स में पूछ सकती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।